नमस्कार, मैं चक्रवादर विश्वकर्मा नेपाल में मुरंग डिस्ट्रिक्ट पथरी से हूँ। आज मैं यहाँ अनुपमा हॉस्पिटल आया हूँ। मैं एक CKD किडनी की मरीज हूँ, जिसको बोलते हैं पोलिसिस किडनी हो गया था मुझे आज से 4 साल पहले। हमारे यहाँ एक लोकल हॉस्पिटल है, वहाँ जो चेक करवाई तो मुझे पता चला कि मेरी किडनी में पोलिसिस किडनी हो गई है। पोलिसिस किडनी के लिए इलाज के लिए डॉक्टर से मशवरा किया गया तो उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी। जितनी भी दवाई दी गई वो सारी दवाई से मेरा किडनी और बढ़ता गया चला गया। विराटनगर में, नेपाल का विराटनगर में एक हॉस्पिटल नोबेल बोल के, नोबेल हॉस्पिटल, वहाँ एक इलाज करवाया। मैंने 2-3 साल इलाज करवाया। वहाँ इलाज कराते वक्त डॉक्टरों ने यही कहा, हम जो दवाई दे रहे हैं उससे आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी, बस उस बीमारी को हम किसी तरह रोके रखने की ट्राई कर रहे हैं। तो इसी तरह जिंदगी बीत रहा था, तभी मैं ये मेरी बीमारी जो है कैसे ठीक होगी, बल्कि मैं कभी कभी मन में टेंशन होता था क्या करूं कैसे करूं। ऐसे में वहाँ से दवाई चलते चलते मेरा किडनी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मैं अंतिम यहाँ इस संस्था में आने से पहले मेरा किडनी 9.36 हो गया था। तो अभी मैं 1 महीने पहले आपके यहाँ अनुपमा हॉस्पिटल पूर्णिया में आया, डॉक्टर विजय रावगन के यहाँ, उनके यहाँ की जानकारी मुझे, मैंने फेसबुक में पहले से ही ये किडनी के बारे में थोड़ा सा मैंने सर्च कर रहा था, खोजी कर रहा था, तो मुझे फेसबुक में मुझे डॉक्टर विजय रावगन के बारे में कुछ जानकारी मिली और मैंने वहाँ से कॉल भी किया इनको फेसबुक पे। तो फेसबुक पे कॉल करके उन्होंने कहा आओ हमें, मैं देखूँगा आपकी क्या बीमारी है। तो 1 महीने पहले मैं यहाँ आया और डॉक्टर को मेरा सारा पुराना रिपोर्ट दिखाया। दिखाने के बाद डॉक्टर साहब ने अपना एक इलाज, मेटाबॉलिक इलाज बोलते हैं यहाँ, मेटाबॉलिक इलाज के माध्यम से मैंने यहाँ का दवाई लेना शुरू किया। दवाई 1 महीने के बाद जब मैंने यहाँ से इलाज शुरू किया तो मेरा क्रिएटिनिन 9.36 था। तो 1 महीने के बाद जब अभी आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ, मेरा क्रिएटिनिन कम होकर 6.1 हो गया है। ये अच्छी बात है। मैं सभी भाइयों को और बहनों को ये अनुरोध करता हूँ, आप निसंकोच इस हॉस्पिटल में आइए। डॉक्टर विजय राघवन जी, निसंकोच आप हर किसी को अपना किडनी का बीमारी जितने भी हैं सभी को इलाज देने के लिए तैयार हैं। आप निसंकोच यहाँ आ सकते हैं, इसमें कोई परहेज नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। कभी भी आइए, डॉक्टर आप मिलेंगे। धन्यवाद। मैं अपना बात यहीं ख़त्म करता हूँ।